महाराष्ट्र की राजनीति में अब आया एक नया ट्विस्ट। महाराष्ट्र में सत्ता का एक और नया फॉर्मूला आया सामने। महाराष्ट्र में सत्ता का समीकरण हर पल बदल रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ओर से शिवसेना के साथ सरकार बनाने के कयासों को खारिज किए जाने के बाद अब कांग्रेस की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। हाल ही में खबर सामने आई थी कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शिवसेना को समर्थन देने के पक्ष में नहीं है, मगर महाराष्ट्र कांग्रेस विधायकों ने शिवसेना को समर्थन देने की मांग कर प्रदेश की सियासत में नया ट्विस्ट ला दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई कांग्रेसी विधायक बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने के लिए शिवसेना को समर्थन देने के पक्ष में हैं। कांग्रेसी विधायकों का कहना है कि हमें शिवसेना और एनसीपी की सरकार का बाहर से समर्थन करना चाहिए और स्पीकर के पद पर दावा करना चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायकों के इस फॉर्मूले के बीच महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई पहुंचने वाले हैं। खबर है कि खड़गे इस मुद्दे पर पार्टी विधायकों से बात करेंगे। इस बीच कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के शिवसेना नेता संजय राउत से मुलाकात के बाद इन अटकलों को और बल मिलने लगा है। जाहिर है अगर ये फॉर्मूला जमीन पर उतरा तो साफ है कि यहाँ ठाकरे सीएम, पवार किंग मेकर और कांग्रेस रिंग मास्टर की भूमिका में नजर आ सकती है। कांग्रेस विधायकों के खेमे में ये जानकारी ऐसे वक्त में आई है जब उसकी सहयोगी एनसीपी में शरद पवार ने बीजेपी और शिवसेना को सरकार बनाने के लिए कहा है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कहा कि जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का मौका दिया है, जबकि उन्हें जनादेश मिला है, वो अपने मसले सुलझाएं और सरकार बनाएं। पवार ने यहां तक कहा कि बीजेपी शिवसेना 25 साल से सहयोगी है, ऐसे में उन्हें राज्य को नई सरकार देने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। जनता ने एनसीपी कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है और हम इसके लिए तैयार हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के खेमे में इस तरह की आवाज उठी हो। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट और पृथ्वीराज चौहान सरीखे सीनियर नेता भी शिवसेना को समर्थन देने की वकालत कर चुके हैं, मगर सोनिया गांधी के इनकार के बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से बयानबाजी बंद हो गई है। ऐसे में कांग्रेस की ओर आई इस खबर से प्रदेश की सियासत में नया ट्विस्ट आ गया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।